जिस तरीके से हमने सोचा था कि सुल्तान फिल्म चाइनीज बॉक्स ऑफिस में तहलका मचाएगी, धमाल करेगी दोस्तों, उस हिसाब से हमें जो है रिजल्ट सामने नहीं मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। चलिए बताता हूं कि चाइनीज बॉक्स ऑफिस में 5 दिन का क्या हाल रहा। फिल्म सुदान यानी कि सुल्तान का, सबसे पहले आपको बता दूं 2016 की इंडियन फिल्म है ये, जिसमें सलमान खान के साथ साथ अनुष्का शर्मा है और अमित सर और बहुत सारे कलाकार हैं। फिल्म का डायरेक्शन किया है दोस्तों अली अब्बास जाफर जी ने। चाइनीज बॉक्स ऑफिस में 31st of August को रिलीज होती है फिल्म, और टोटल मिला के 5 दिन का टोटल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं 5 दिन का टोटल मिला के 3.86 $ हुआ है, जिसे अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूँ दोस्तों तो इट्स 27.54 crores, जो कि बहुत ज़्यादा कम है हमारी उम्मीदों के, क्योंकि हमने तो पहले दिन का प्रिडिक्शन यही किया था। जिस तरीके से क्रेज है, जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी मिल रही थी, तो उस हिसाब से चाइनीज बॉक्स ऑफिस में पहले दिन का ही ये कलेक्शन हम लोग बता रहे थे। खैर, मूविंग ऑन, बात करते हैं दोस्तों अपने 5वें दिन की यानी कि ट्यूसडे की। तो फिल्म ने अपने 5वें दिन दोस्तों 0.41 $ का बिजनेस किया, जिसे मैं अगर रुपीस में कन्वर्ट करूं तो इट्स 2.92 crores, कम है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात है कि मंडे के हिसाब से जो है थोड़ा सा कम हुआ है। मंडे को जो अमाउंट था वो 0.42 $ था, जिसे मैंने रुपीज़ में अगर कन्वर्ट किया तो इट्स 2.92 crores, कम है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात है कि मंडे के हिसाब से जो है थोड़ा सा कम हुआ है। मंडे को जो अमाउंट था वो 0.42 $ था, जिसे मैंने रुपीस में अगर कन्वर्ट किया तो इट्स 2.99 crores, तो इस हिसाब से ठीक ठाक है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सुल्तान फिल्म यानी कि सुदान फिल्म चाइनीज बॉक्स ऑफिस में कितना बिजनेस करती है। क्या 50 करोड़ तक के अमाउंट को ये छू पाएगी या नहीं, क्या ये 100 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातों के लिए मैं हूं ना राहुल भोज, अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। रे सुल्तान चढ़ाई कर चाइनीज़ बॉक्स ऑफिस में।